FIR दर्ज करने के लिए आप मुतलका पुलिस स्टेशन यानी उस जगह का पुलिस स्टेशन जहां जुर्म किया गया है उधर एप्लीकेशन देंगे। CNIC अपने साथ रखें, कई जगहों पर FIR दर्ज करने की ऑनलाइन सहूलत भी मौजूद है मसलन खैबर पख्तूनख्वा में। कॉग्निजिबल केसेस के हवाले से यानी उन ऑफेंसेस में जहां पुलिस वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकती है, मसलन रेप, डकैती या कत्ल के केसेस, रिटन एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं। आप ओरली ऑफिसर इंचार्ज को मालूमात दे सकते हैं जो फिर खुद लिखेंगे और आपको पढ़कर सुनाएंगे। आप फिर ये साइन करेंगे और इसकी डायरी में एंट्री की जाएगी। याद रखें कि अपने FIR एप्लीकेशन की क्लियर कॉपी या एप्लीकेशन की रिसीविंग या डायरी नंबर या रिपोर्ट नंबर ज़रूर रखिएगा। इसके बाद FIR दर्ज होता है और तहकीकात शुरू होती है। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में आप पुलिस मैजिस्ट्रेट से लिए हुए वारंट के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकती, मसलन डेफेमेशन के केसेस। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में पुलिस कलंदरा बनाती है। कलंदरा यानी पुलिस की जो फॉर्मल कार्रवाई होती है जिसमें विटनेस स्टेटमेंट्स भी होती हैं, विटनेस लिस्ट होता है, वो बनाती है और फिर वो मुतलका इलाका मैजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाता है। फिर मैजिस्ट्रेट फैसला करते हैं अगर केस बनता है या नहीं। कानून के मुताबिक पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन प्रैक्टिस में ये आम होता है, खासकर मिसिंग पर्सन्स के केसेस में। लिहाजा अगर ये सूरत हाल पैदा हो तो आप 22A या B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्रोविजंस के तहत सेशंस जज या एडिशनल सेशन जज के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि पुलिस आपका FIR दर्ज नहीं कर रही। जज फिर पुलिस से जवाब तलब करते हैं, बहस सुनते हैं और फिर अगर केस बनता हो तो FIR दर्ज करने का हुक्म देते हैं।